और आपको बता दें, पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले हवाले के जिन की घुसपैठ हो गई है। जी हां, दिल्ली से भोपाल तक छापे मारे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ सवालों के घेरे में हैं क्योंकि उनके करीबियों से करोड़ों की रकम बरामद हुई है। पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले भोपाल से दिल्ली तक इनकम टैक्स की टीम धुआंधार छापे डाल रही है। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के ओएसडी के करीबी अश्विनी शर्मा के घर से निकली तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। दीवार पर टंगे हिरण और शेर के अवशेष बता रहे हैं कि रईसी का आलम क्या है। टेबल पर कवर की जगह हिरण की खाल की सजावट है। अवैध हथियार भी हाथ लगे हैं। दावा है कि अश्विनी शर्मा के घर से हवाला की करोड़ों की रकम बरामद हुई है। अवैध रूप से शराब रखने व आर्म्स लाइसेंस निलंबित होने के बाद भी निर्दिष्ट स्थान पर जमा न कर अपने कब्जे में रखे हुए पाए जाने पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इनके यहाँ 6 वन्य प्राणी की ट्रॉफी मिली हुई है, जिसमें एक टाइगर की है, मुंह टाइगर का मुंह है, और एक सामर की ट्रॉफी है, मुंह लगी हुई, सींग भी लगे हुए हैं, एक ब्लैक बक की है, एक चीतल की है और एक चिंकारा की है और एक खाल है। कमलनाथ के करीबियों पर छापेमारी का सिलसिला दिल्ली तक पहुंच चुका है। दिल्ली की छापेमारी में मोइन नाम के शख्स की भूमिका सामने आ रही है, जिसका अहमद पटेल से कनेक्शन बताया जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों का कहना है कि मोइन खान के जरिए ही भोपाल से दिल्ली करोड़ों भेजे गए। जिस टाइमिंग पे इन्होंने किया है, ये केवल सरकार कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश है। और चुनाव के 15 दिन पहले 20 दिन पहले ही आपको ये सब चीजें सूझती हैं। इतने दिनों से मसला चल रहा था, जहां आचार संहिता लगी उसके बाद ये लोग एक्टिव हो गए। मोइन के घर पर अहमद पटेल की तस्वीर भी सामने आई है। अहमद पटेल की तरफ से कहा गया है कि मोइन की तबीयत खराब होने की वजह से अहमद पटेल वहां तक गए थे। बहरहाल कमलनाथ के कई करीबी भी आयकर विभाग के रडार पर हैं। और एक के बाद एक, एक के बाद एक इस तरह का जो काले धन का एक जखीरा कांग्रेस पार्टी के नेताओं और उनसे जुड़े हुए लोगों के यहाँ निकल रहा है, अरे उसका जवाब दो भैया, ये पैसे, ये जखीरे आए कहाँ से? ये काला धन है कि गोरा धन है? आयकर छापे की सीरीज से सियासत बेहद गर्मा गई है। कांग्रेस राजनीतिक दुश्मनी का आरोप लगा रही है तो बीजेपी कांग्रेस को काले धन से जोड़ रही है। दिल्ली से चिराग गोठी के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।